जैसे हम लोग लगाते हैं कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश महासचिव जी, इन लोग इनका रहता है नाम लिखते ही जी, मान्यवर जी नहीं लगाते। तो जो वीडियो जारी किया उसका ऑडियो कहाँ है? दिखाओ ऑडियो जिसके पास है। माननीय नीतीश कुमार जी का ये शिष्टाचार का संस्कार है और ये हर सभ्य नागरिक का ये संस्कार होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने में है तो उसको प्रणाम किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, छोटे का अभिवादन किया जाता है। लेकिन ये कैसा दौर आदमी का चला है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रणाम कर रहे हैं और उसका जवाब भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी दे रही है प्रणाम। अब अपनी मां को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जगता बाबू राबड़ी देवी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रणाम का जवाब अगर प्रणाम हो रहा है, ये तो राजनीति की शिष्टता है, जीवन की शिष्टता ही है। हाँ, वो दौर नहीं है, वह दौर भी इतिहास में देखा है और मीडिया के लोग इस बात के गवाह हैं कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कुर्सी पर बैठते थे, आए सामने वाला कुर्सी पर पैर रहता था, आज जो बड़े बड़े नेता जाते थे खड़ा रहता। वो राजनीति के सामंत लोगों का जो व्यवहार होता था, नौ सामंत का, वह व्यवहार भी बिहार में देखा है। तो अब ये लोग कितने अभिमानी हैं कि अपनी संस्कृति का अपमान करने से भी बात नहीं आते, सम्मान देना नहीं जानते। ये क्या जाने सम्मान और समर्पण में क्या अंतर होता है? तो जरा आज इनका वीडियो दिखाते हैं, जरा वीडियो देखिए इनका और कैसे ये लोग अपना स्वरूप बदलते हैं। जरा पहला वीडियो दिखाइए। हम आपको नेता रहे और क्या चाहिए, लेकिन जो उन्होंने मौका दिया हमको डिसीजन लो भी हमको खराब करता। मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को पहले दिल से हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जो आज निर्भीक पत्र बदलने के लिए साबित किया कि वो केवल कहने वाले नेता नहीं है बल्कि काम करने वाले नेता है। अभी स्पष्ट हो गया ना कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने यह कहा कि मुझे काम करने का मौका किसने दिया? माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। और ये कहां कह रहे हैं? विधानसभा में कह रहे हैं। तो अब तक तो आप कह रहे थे कि हम ही बनाते हैं और वीडियो में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने मौका दिया, मौका दिया, मौका दिया। ये बोलने का अर्थ सीधा है कि नीतीश कुमार जी के बदौलत ही राजनीति के हाल में हल्दी लगा। दूसरा वीडियो जो है ये नौकरी मांगते हैं और जब नियुक्ति पत्र बनता है
तो मां जी नीतीश कुमार जी के बारे में कहते हैं ये बोलने वाले नेता नहीं है।